नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप बने रहे तरंग 24 न्यूज पर और ताजा तरीन ऐसी खबरें मिलते रहेंगी आपको। आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश की सीधी जिले के अंतर्गत जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी और सीएमओ कमला कोल के द्वारा पूरा जिला शर्मसार हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। हर एक गरीब बच्चा से लेकर पूरा परिवार तक त्राही त्राही कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि जिला कलेक्टर के द्वारा देखा नहीं जा रहा पूरे जिले को। जिले में सफाई कभी होती ही नहीं, नाली पूरी चोक हो चुकी है, पूरा जाम पड़ा हुआ है। और जब पानी जो है सड़कों पर चार चार फीट पांच पांच फीट ऊपर चल रहा है, किसी के घर में अनाज जो है भीग चुका है, किसी का बिस्तर भीग चुका है, किसी के घर का जो है खाने का कोई चीज नहीं बचा हुआ है। आखिर में इंसान जिंदा रहे तो कैसे रहे? क्या कलेक्टर को ऐसा ही करना चाहिए या फिर सीएमओ को ऐसा रहना चाहिए? खुद का अपना बिल्डिंग अगर देखा जाए, या फिर हम ये कह दें कि जनता क्या कलेक्ट्रेट में जाके बसेगी? क्या जनता कलेक्ट्रेट में जाके रहेगी या कलेक्टर के घर में जाके रहे? आखिर में जनता रहे तो रहे कहां? अगर पब्लिक के पैसा जो आते हैं, जो जनता के लिए देखा यह जाता है कि उसका सेल्फ यूज कर लिया जाता है, चाहे सीएमओ हो या कलेक्टर हो। सबसे बड़ी अगर मुसीबत देखी जा रही है तो बरसात का देखा जा रहा कि बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस रहा, लेकिन कलेक्टर की नजरों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या उसे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें देखने की जरूरत नहीं है? आखिर में क्या ऐसे ही चलता रहेगा पूरा सीधी जिला? आपको खुद दिखाई दे रहा होगा वार्ड नंबर 19 का सबसे बड़ा ये जो मुद्दा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जनता 3 फीट 4 फीट पानियों से डूब रही है। अगर कहाँ एक बच्चा भी स्लिप होकर गिर जाए तो उसकी जान जा सकती है। घरों में कोई किसी का राशन तक नहीं बचा हुआ, किसी के घर का आटा तक अगर देखा जाए तो अगर लोग ऊपर भी उठा के रख रहे हैं, बिस्तर पे रख रहे हैं, तब भी बिस्तर तक पानी पहुंचता है और लोग जो है उनका जो है राशन तक नहीं बच पा रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत देखी जा रही है कि जो रोड के किनारे जब घर है उनमें तो डूब ही रहा है, और दूसरी तरफ नालियों की जो सफाई है उसके चलते समस्या ये बनी हुई है कि सफाई कभी की ही नहीं जाती। अगर सफाई नहीं की जा रही तो इसका जो जनता का पैसा है वो कहां जा रहा है? स्मार्ट सिटी जो बनाई जा रही है, स्मार्ट कैसे कहेंगे आप इस सिटी को? स्मार्ट तो सिर्फ कलेक्टर हैं, स्मार्ट तो सिर्फ सीएमओ हैं जो अपने जेब में पैसा ठूस रहे हैं। खुद आपको दिखाई देता होगा कि किस तरीके से जनता भुगत रही है। जनता त्राही त्राही चिल्ला रही, लेकिन कलेक्टर के कान में या फिर कह दें कि सीएमओ के कान में जूं तक नहीं नाचने वाली। देखने वाली ये बात है कि आखिर में कब तक इसके इस तरीके से चलता रहेगा, कब तक जनता भुगतेगी आपके इन भ्रष्टाचारों का, भ्रष्टाचार कब तक रहेगा इस सीधी जिले में, जरूर देखते रहिए आप। और भी खबरों के साथ हम बने रहेंगे आपके साथ, और ऐसे ही खबरों के साथ मैं आप लोगों को आज पूरी अपडेट देता रहूंगा कि देखिए सीधी जिले में किस तरीके से आतंक मचा हुआ है पानी का। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे, नमस्कार, जय हिंद।